तो हम आज का शुरू करते हैं। आज जो मेरा एक सेशन है, मैं सोच रहा था कि जैसे बहुत सारे जानवरों के बारे हम सुनते हैं कि भाई ये बड़ा एंडेंजर्ड है ना, ये खतरे में है, प्रजाति बहुत नाश होने वाली है। जैसे शेर टाइगर के ऊपर हम बहुत आजकल चल रहा है, और स्नो लेपर्ड के ऊपर भी बहुत सारी बातें, और इस तरह से बहुत सारे जानवरों के ऊपर, चिड़ियाओं के ऊपर हम सुनते रहते हैं। तो मेरे मन में एक विचार आया कि क्या कुछ ऐसे पेड़ भी हैं जो खतरे में हैं, जिनके बारे में हम नहीं सोच रहे, जो बहुत डेंजर में है। तो क्या उस ऐसी भी कुछ प्रजातियां हैं? तो मैंने देखा कि बहुत सारे ऐसे पेड़ हैं जो खतरे में हैं, और ये कौन खतरे में है बताता है। ये बताने के लिए मैंने देखा कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन है IUCN नाम से, इंटरनेशनल यूनियन यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये बताती है कि कौन से पेड़ खतरे में है, कौन से नहीं है, है ना। तो ये हमें याद रखना चाहिए, बहुत सारे बच्चे जो कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि IUCN क्या है। तो IUCN है एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो नेचर की कंजर्वेशन के ऊपर ये डिसाइड करती है, ये देती है कि इसे रेड नोटिस देना है, ये अभी एंडेंजर्ड है, ये कौन सी उसमें है, या ये वर्नेबल है, नाश होने वाला है, ये अलग अलग इसको स्केल पे ये देती है। तो आज हम जो है कुछ पेड़ों को देखेंगे जो कि बहुत ज्यादा खतरे में है, है ना, लगभग नाश होने की कगार पे हैं, और अगर उनको नहीं देखा गया तो वो नाश हो जाएंगे, और हम उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, वो हम ही होंगे, है। तो हम शुरुआत करते हैं सेशन की। सबसे पहला हमारे सामने ये जो पेड़ आप देख रहे हैं, इसका नाम है अफ्रीकन ब्लैक वुड, है ना। नाम से ही पता चल रहा है कि इसकी लकड़ी काली होती होगी, बहुत ही कीमती लकड़ी है, बहुत ही ज्यादा कीमती लकड़ी है। अगर हमसे पूछा जाए तो हम कहेंगे चंदन बहुत कीमती है ना। तो चंदन की कीमत है करीब 5,000 रुपए किलो, है ना, 5,000 रुपए 6,000 रुपए में आपको मिल जाता है। अगर आप इसकी लकड़ी लेने जाएंगे तो ये 7 लाख रुपए किलो है, बहुत ही कीमती लकड़ी है, बहुत ही रेयर लकड़ी है। और इसकी कुछ, ये सिर्फ कुछ देशों में मिलता है, जैसे सेनेगल है, इथोपिया है, साउथ अफ्रीका, तंजानिया, मोजाम्बिक, कीनिया। ये कहाँ कहाँ है मैं आपको नक्शे पे दिखा देता हूँ, क्योंकि हमें नक्शे में भी मालूम होना चाहिए कि ये देश कहाँ है ना। तो आपको सेनेगल यहाँ पे है, ये छोटा सा ग्रीन देश जो है, इसको छोड़ के बाकी सारे देश जो हमारे, ये ईस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका में है। देखिए सोमालिया यहाँ है, इथोपिया उसके बगल में है, कीनिया यहाँ है, उसके नीचे तंजानिया, उसके नीचे मोजाम्बिक, और उसके नीचे साउथ अफ्रीका। तो ये जो सारे ईस्टर्न कोस्ट है अफ्रीका का, इसमें ये लकड़ी मिलती है। और इसका ये किसी जमाने में बहुत होती थी, आज से नहीं है, बहुत पुरानी लकड़ी है, बहुत पुराना पेड़ है। इसके बारे में अगर आप देखेंगे तो ये इजिप्ट के जो फैरो थे, मिस्र के जो पिरामिड बनाने वाले फैरोज थे, जो उनके राजा होते थे मिस्र के, उनको फैरोज कहा जाता था। जैसे हमारे देश में राजा कहा जाता है, वहां पे फैरो कहा जाता था। तो ये जो फैरो थे, इनके बर्तन मिले हैं जो कि इस लकड़ी से बने हुए थे। जैसे आपके सामने ये बर्तन है, दो गिलास दिखाई दे रहे हैं, ये इसी लकड़ी से बना हुआ है, ब्लैक अफ्रीकन वुड से है? और ये बड़ा इलाज में भी काम आती है ये लकड़ी। इसका अगर आपको लूज मोशन है, आपको सर दर्द है, आपको ठंड लग गई है, जुकाम हो गया है, तो इसके जो छाल है उससे उसका इलाज भी करते हैं लोकल लोग। तो ये बड़े कीमती चीज है, बहुत ही इलाज में भी काम आती है। और ये आपको ताजुब होगा, जो तूतन खामन का एक हमारा एक फेरो था, वो भी मिस्र का एक राजा था। अब एक बात मेरे मन में आती है, और हम सब ये जानते हैं कि अगर मिस्र की बात करते हैं, हम फेरो की बात करते हैं, तो सबके मन में आता है भाई तूतन खामन, तूतन खामन। पर वास्तव में तूतन खामन को देखें तो तूतन खामन एक छोटा सा राजा था, कोई बड़ा राजा नहीं था। इसने कुछ ही साल राज किया, खुद भी डिफॉर्म था, और इसके कोई संतान भी नहीं हुई, है ना। ये थोड़ा सा जैसे हम कहेंगे ना, बॉडी सही नहीं थी इसकी, है इसकी। अगर आप इसके मिस्र में जाएंगे तो आपको इसकी मम्मी भी मिलेगी देखने के लिए। मैं वहां गया था तो मैं देख के आया था इसकी मम्मी को, इसका मकबरा भी देख के आया था। मकबरा तो मतलब जो इसमें इसका कफन था और जो इसके सामान था, वो देख के आया मैं, लाजवाब है। अब आप हम कहते हैं कि तूतन खामन ही के बारे में क्यों हम बात करते हैं। तूतन खामन की बात हम इसलिए करते हैं, इतना छोटा हो, छोटा और कोई नाम का बड़ा राजा ना होने के बावजूद भी, क्योंकि यही एक ऐसा मकबरा हमें मिला है जिसको आज तक चोरों ने चुराया नहीं था। ये ऐसा था कि एक बड़े कूड़े के ढेर में दबा हुआ था नीचे,
और एक खोजी ने उसको जब ढूंढा तो ये देखा कि ये एक ऐसा मकबरा मिला जिसको अभी तक किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया था, इसमें चोरी नहीं हुई थी। लोग क्या करते थे, इनको चुरा लेते थे, इन पिरामिड्स के अंदर रास्ता बना के अंदर घुस जाते थे और उस सामान को, सारे गोल्ड को चुरा लेते थे। तो इस तूतनखामन का नाम इसलिए है क्योंकि ये हमारे को मिल, इसके बारे में हमें पूरा डिटेल अनटच्ड इसकी ग्रेव हमें मिली, इसका कवर, इसका जो मकबरा था वो पूरा मिला। तो ये उसकी एक कुर्सी है ना, इसमें इसमें हाथी दांत और ब्लैक वुड और रेड वुड लगा के इसको बनाया गया है। और आप पैरों में देखेंगे कि पैरों में इसके नौ कुछ राजाओं के कुछ लोगों की फोटो है। इसका मतलब ये दिखाया गया है कि ये दुश्मन मेरे पैरों के नीचे है। और ये पूरी कुर्सी जो है ब्लैक वुड से बनाई हुई है, यानी ब्लैक वुड उस जमाने में बड़ी कीमती थी, राजा लोग ही सिर्फ इसका प्रयोग कर पाते थे और आज भी इसको बहुत कोई आम आदमी यूज नहीं कर सकता, बहुत ही कीमती लकड़ी है। और ये जब तूतनखामन छोटा था तो उसकी जो बचपन की कुर्सी भी, देखिए पिरामिड में क्या करते थे, जब भी राजा फेरो मरता था तो उसकी जितनी भी प्यारी चीजें होती थी, उसके बचपन से जुड़ी हुई चीजें, उसके फेवरेट खाने की चीजें, उसको अगर, जैसे मैं गया था फिर मिस्र में तो मैं देख के आया पूरी पूरी मुर्गी, बत्तख, बकरे की टांग, ये सब मम्मीफाई करके उसकी कवर में रखी हुई है ना, पूरी बत्तख उसके अंदर मम्मीफाइड है, बिल्ली भी उसकी है, कुत्ता भी उसका, उसका मम्मीफाई कर दिया, सबको उसमें कवर में उसके साथ ही दफना दिया जाता था। तो ये उसके बचपन की कुर्सी है, ये भी ब्लैक सी उससे वुड से बनी हुई है। और इसके पैर वैर आप देख रहे हैं, ये देखिए, इसका मतलब ये कितनी मजबूत लकड़ी है, इतने सालों में भी ये क्रैक नहीं हुई, बहुत ही मजबूत लकड़ी है। और उसी कबर में इसको बोलते हैं शाब्ती, शाब्ती यानी फ्यूनरल फिगर, मतलब एक ऐसा मुर्दे का फिगर जो कि उसके साथ राजा के कबर में दफनाया जाता है ना। ये दूसरा फेरो है, इसका नाम है एमन होतेप थ्री। इसकी कबर में भी जब इसको ढूंढा गया तो वहां पे ये उसका ये शाब्ती मिला। तो आपके सामने एक शब्द और आता है जिसको आपको याद रखना चाहिए, शाब्ती। शाब्ती का मतलब वुडन फ्यूनरल फिगर जो कि फेरो की कबर में दफनाया जाता था, है ना। अगर आप मिस्र में जाएंगे तो वहां पे जितने भी आपको ममीज मिलेंगी, जितने भी आपको ऐसे पिरामिड्स में ये जो बचे मिलेंगे, इनकी आंख आपको इसको बड़ी बड़ी और ऐसे कांच की बनी हुई मिलेगी, बाकी सब कुछ लकड़ी का होगा, किसी की भी आंख बंद नहीं मिलेगी, ऐसे खुली हुई आंख रखते थे जो कि ग्लास से बनाई हुई है, है? तो ये शाब्ती है, इसके ऊपर लिखा होता था। अब ये तूतनखामन की बात मैं आपको कर रहा था, ये सिर्फ देखिए इसने बहुत छोटे समय, 19 साल का कुल था जब ये मर गया, सिर्फ 19 साल का था। इसको प्यार से तूत भी बोला जाता है, इसका मकबरा, इसके बारे में अब देखिए, अगर इसका सर जो आप देख रहे हैं ना, ये जो सर है इसके, जो मम्मी होती थी उसके ऊपर इसको चढ़ाया जाता था, इसका सर ही सर 32 किलो प्योर गोल्ड का है। और इसकी उंगलियों पे भी सोना, इसके ऊपर जेवर दुनिया भर का, ये सब इजिप्ट में आप जाके वहां पे देख सकते हैं। और इसके अंदर 5000 जो आर्टिफैक्ट्स जो थे इसके साथ जो दफनाए गए थे वो हमारे को मिले हैं। और ये इसलिए मिले क्योंकि वो किसी ने आज तक उसको छेड़ा नहीं था। तो ये आपके सामने है तूतनखामन, इसलिए बड़ा फेमस है। वैसे देखा जाए तो इजिप्ट के इतिहास में इसका कोई बड़ा रोल नहीं है। अब इस लकड़ी पे वापिस आते हैं, तो ये लकड़ी जो है इसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। ये एक ना एक स्पेन में जब इस्लाम धर्म फैला, कार्डोबा एक जगह है, कार्डोबा बड़ी फेमस जगह है, कार्डोबा, कार्डोबा के नाम से एक कुत्ता भी बड़ा फेमस है, जो डॉग लवर्स हैं उनके लिए इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। एक कार्डोबा डॉग होता था दुनिया का, वो मतलब ये माना गया कि उससे खतरनाक कुत्ता दुनिया में आज तक कोई नहीं हुआ है, कार्डोबा डॉग। वो आपस में ही लड़के मर जाते थे, मेल फीमेल ही एक दूसरे को मार देते थे, तो बहुत खतरनाक ब्रीड होती थी, वो खत्म हो गई, आप दुनिया में नहीं है। तो कार्डोबा उससे फेमस है। तो कार्डोबा में एक मॉस्क थी, वहां पे जो खलीफा होता था उसके लिए, ये ऊपर देखिए एक जगह, इसको बोलते हैं मिनबार, मिनबार एक जगह है, इसको बोला जाता है मिनबार, जहां पे ऊपर बैठ के खलीफ जो है, जो मॉस्क का पुजारी जो है, वो ऊपर जाके संदेश देता है पूरी कलीसिया को, जो लोग इकट्ठा हुए हैं। तो ये जो था स्पेन में ब्लैक वुड से बनाई गई, देखिए इसमें ब्लैक वुड लगी हुई है, ये बहुत कीमती लकड़ी से इसको बनाया गया था। फिर इसको ले जाके अभी ये जो है यहां से इसको मराकेश, मोरक्को में एक जगह है मराकेश, किस्मत की बात है कि मैं वहां भी गया हूँ ड्यूटी के दौरान मैं वहां भी गया, तो वहां पे मैं इसको तो नहीं देखा मैंने, पर मैंने उस मॉस्क को देखा जो मराकेश में है, और वहां पे ये अभी तक वहां पे है, है? तो ये एक, इसका मतलब कितनी कीमती लकड़ी है वो बता रहा हूँ। और इसको ये बहुत स्लो धीरे धीरे बढ़ने वाली लकड़ी है,
देखिए इसके पत्ते और फूल मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आप देख सकते हैं इसके पत्ते और फूल कैसे होते हैं। 60 साल की उम्र में जाके ये पेड़ बड़ा होता है और 200 साल तक में जाके फुल्ली जो है इसकी लकड़ी काम की होती है। पर हम लोग जो है इसको देखिए अंदर से कैसी काली लकड़ी है, बिल्कुल काली सुरख लकड़ी है। इसको कार्व करना भी आसान नहीं है, बहुत हार्ड लकड़ी है, बहुत ही मजबूत और अच्छी लकड़ी है, सुंदर लकड़ी है। और इसको ये आजकल गवर्नमेंट जो है इसको लाइसेंस जिसके पास है गवर्नमेंट ही इसको काटती है, बाकी इसको काटना अलाउड नहीं है। और मेरे हिसाब से तो इसको बिल्कुल काटना ही नहीं चाहिए क्योंकि बहुत एंडेंजर्ड है, बहुत ही खतरे में है। और इससे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स बनाए जाते हैं। देखिए लग रहा है कि जैसे प्लास्टिक के है, पर ये प्लास्टिक नहीं है, ये अफ्रीकन ब्लैक फुट है। इस पेड़ की बड़ी खासियत है, जैसे मैंने आपको बताया इलाज में भी काम आता है, दूसरे ये जमीन की फर्टिलिटी को मजबूत करके रखता है, जमीन को स्टेबलाइज करके रखता है, हार्मफुल केमिकल्स को खत्म करता है। और पशु भी इसके पत्ते को बड़े शौक से खाते हैं। ये देखिए अगर आप वहां जाएंगे इन अफ्रीकन कंट्रीज में तो आपको ये ऐसे मॉडल्स मिलेंगे। देखिए ऐसा लग रहा है इसको रंग किया हुआ है, पर वास्तव में ये रंग नहीं है, ये प्योर लकड़ी है, इसको सिर्फ कार्व करके बनाया है ना। मेरा एक दोस्त है, उसके मैडम जानती होंगी, धर्मेश्वरी मैडम जो नामिक सर है, उनके घर में है ये, उसके पापा वहां से लाए थे, उनके घर में सेम मॉडल है, बिल्कुल ऐसा का ऐसा। तो ये बड़ी बड़ी मैं उसको बोला है बहुत कीमती है, इसको दे मत देना किसी को, 7 लाख रुपए किलो है, कहता मैं बेच के इससे गाड़ी लूंगा। तो जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन है ये तो देखिए ये लकड़ी इतनी कीमती है, इसको ये प्योर 24 कैरेट गोल्ड है, ये एप्पल ने एक बनाया है, इसका एक मॉडल है, ये लकड़ी है इसके पीछे की, और इसके पीछे 24 कैरेट गोल्ड है, मतलब कोई अमीर आदमी ही इसको ले सकता है, ये डिजाइनर है ग्रेसो ने बनाया इसको। एक छोटा सा वीडियो दिखाता हूं आपको इस लकड़ी के बारे में, से थोड़ी जानकारी आपको और मिल जाएगी। कुछ लकड़ियां अविश्वसनीय रूप से काफी महंगी होती है तो कुछ बेहद ही दुर्लभ। वैसे आम चंदन की लकड़ी को ही महंगा माना जाता है, जिसकी कीमत 5 से 6 हजार रुपए प्रति किलोग्राम तक होती है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में ऐसी लकड़ी भी है जो चंदन की लकड़ी की कीमत से कई गुना ज़्यादा महंगी है। इसे खरीदने से पहले बड़े से बड़े अमीर भी 2-4 बार जरूर सोचेंगे। इस लकड़ी का नाम है अफ्रीकी ब्लैकवुड। यह धरती पर मौजूद सबसे मूल्यवान सामग्रियों में से एक है। इस लकड़ी की कीमत महज 1 किलोग्राम की कीमत ही 8,000 पाउंड यानी 7 लाख रुपए से भी ज़्यादा है। इतने में तो एक अच्छी खासी लग्जरी कार खरीद सकते हैं। दोस्तों अफ्रीकी ब्लैकवुड पेड़ अन्य पेड़ों की तुलना में धरती पर बेहद कम यानी दुर्लभ है। इनकी ऊंचाई लगभग 25 से 40 फीट होती है। अफ्रीकी ब्लैकवुड मध्य और दक्षिणी अफ्रीका के 26 देशों में पाए जाते हैं। ये सूखे स्थानों पर ही ज़्यादातर मिलते हैं। वैसे तो इस पेड़ को पूरी तरह से तैयार होने में 60 साल का समय लगता है, लेकिन केन्या और तंजानिया जैसे देशों में इसके लकड़ी की अवैध तस्करी की वजह से समय से पहले ही इन पेड़ों को काट लिया जाता है। इससे ब्लैकवुड की संख्या में भारी कमी आई है, जिसकी वजह से ये दुर्लभ हो गए हैं। अफ्रीकी ब्लैकवुड की लकड़ी का ज़्यादातर इस्तेमाल शहनाई, बांसुरी और गिटार जैसे संगीत वाद्य यंत्र बनाने के काम में होता है। तो आपको मैंने दिखाया कि ये है ब्लैकवुड है, तो ये बहुत ही कीमती लकड़ी है और ये हम किस्मत वाले हैं कि हम इस पेड़ को अभी तक देख रहे हैं, शायद आगे आने वाली पीढ़ियों को ये देखने को ना भी मिले। अब हम अगले पेड़ पे चलते हैं। ये पेड़ नहीं है, एक तरह से एक ये पहले तो बड़ा भी हो जाता था, पर अब ये ज्यादा ऊंचा पहाड़ी में नहीं मिलता, ये इतना ऊंचा नहीं होता। इसको बोला जाता है सेंट हेलिना एबोनी। ये मैं इसलिए लेकर ले रहा हूं क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा एंडेंजर्ड है। किसी जमाना ऐसा आ गया था, ये मान लिया गया था ये प्रजाति विलुप्त हो गई, अब नहीं है, है ना, ये माना गया। पर किस्मत से मैं आपको दिखाऊंगा इसके बारे में। देखिए पहले इसके फूल देख लीजिए आप, इसमें 2 रंग के फूल आते हैं, सफेद और ये गुलाबी रंग का फूल, है ना। पहले ये बड़े भी होते थे, 5 मीटर तक होता था, पर अब ये ज्यादा ऊंचा पेड़ नहीं होता है, साइड में को फैलता है, झाड़ी जैसा होता है। और इसका मेन दुश्मन ये बकरी है। तो सेंट हेलिना आइलैंड है जहां पे इसको ये वहां पे पनपता था ये पौधा, पर जब लोग वहां गए रहने के लिए तो अपने साथ बकरी वो ले गए, और बकरी को तो चारा चाहिए, उसको जो भी मिलेगा खाएगी,
तो इस बकरी ने खाते खाते क्या हुआ, वो लगभग खत्म कर दिया उसको। और ये मान लिया गया 1805-50 में कि ये प्रजाति खत्म हो गई है ना, सेंट हेलिना एबोनी खत्म हो गई। किस्मत की बात है कि एक झाड़ी, ये आपको जो झाड़ी दिख रही है, सिर्फ एक दो पौधे, सिर्फ दो पौधे इस पहाड़ी चट्टान के किनारे पे पड़े हुए मिल गए, लगे हुए मिल गए, क्योंकि वहां बकरी नहीं पहुंच पाई। किस्मत की बात है कि ये प्रजाति इस वजह से आज हमारे सामने है, नहीं तो ये खत्म हो गई होती। ये दो इस पहाड़ी के किनारे पे यहाँ पे लगे हुए मिले, जिसको अब प्रॉब्लम ये थी कि एक ये इसको कैसे बनाया जाए। तो इसके अंदर एबोनी के अंदर रेडवुड का भी मिलाया गया, सेंट हेलिना रेडवुड एक झाड़ी होती है जो कि थोड़ी मजबूत होती है, उसको इसके साथ मिक्स किया गया है ना, तब जाके ये पौधा बचा है। और अब इसको बहुत ज्यादा लगाया जा रहा है, बचाने के लिए कोशिश की जा रही है। तो ये एक ऐसी प्रजाति है, अगर आपसे पूछा जाए तो दुनिया में वाइल्ड में, अब तो इसको लगाना शुरू कर दिया है, खैर वाइल्ड में जो नेचुरल है सिर्फ दो पौधे हैं ये, सेंट हेलिना एबोनी नाम से। अब एक सेंट हेलिना के नाम से ना, जब सेंट हेलिना की हम बात करते हैं तो बड़ी एक मजेदार इंसिडेंट सामने आते हैं, जो कि हमें जरूर इसके बारे में सीख लेना चाहिए, सुन लेना चाहिए, क्योंकि ये भी हमें सिर्फ पेड़ों के लिए नहीं, हम साथ के साथ और भी बातों को देखते हुए चलते हैं इंफॉर्मेशन को। सेंट हेलिना में ये लॉन्ग वुड हाउस, ये जो लॉन्ग वुड हाउस है बड़ा हिस्टोरिकल हाउस है, ये वो घर है जहां पे नेपोलियन को अरेस्ट करके ब्रिटिशर्स ने कैद करा था। तो ये सेंट हेलिना आइलैंड था जहां पे नेपोलियन को कैद किया था। देखिए नेपोलियन को जिंदगी में दो बार पकड़ा गया, एक बार पहले भी उसको पकड़ा गया था, तो उसको एल्बा नाम का एक आइलैंड है मेडिटेरियन सी में, मैं आपको दिखाऊंगा, वहां पे उसको कैद किया गया। देखिए तो एल्बा में उसको अरेस्ट किया गया, पर वो वहां से भाग निकला है ना, और भाग निकला और जितने भी सोल्जर्स थे उसके साथ में हो गए, और फिर वो फिर से जाके यूरोप में उसने तहलका मचाया। पर बाद में क्या हुआ, जो यूरोप के सारे देश थे वो इकट्ठे हो गए, क्योंकि इसने लगभग पूरे यूरोप को जीत लिया था, इंग्लैंड को छोड़ के और कुछ देशों को छोड़ के। तो जब इसके इतना पावर हो गई तो सारे ब्रिटिशर्स और जो दूसरे जो इसके अगेंस्ट थे, रशिया लग अगेंस्ट था, और ये सब मिलके जब इन्होंने इसके अगेंस्ट लड़ाई करी तो ये हार गया। हारने के बाद इसको अब की अंग्रेजों ने सोचा इसको ऐसी जगह रखना है कि ये वहां से भाग ही ना पाए, तो इन्होंने इसको यहाँ पे रखा इस सेंट हेलिना आइलैंड पे, और ये वहां पे 15 से यानी 6 साल जी पाया और वहां पे ये मर गया। अब ये म्यूजियम की तरह यहाँ पे है। देखिए ये है नेपोलियन बोनापार्ट, जो कि फ्रांस का एम्परर माना गया था ना, इसको एम्परर ऑफ फ्रांस कहा जाता था। बड़ा जबरदस्त जनरल था, जिसको लड़ाई के बारे में, वॉरफेयर के बारे में बहुत अच्छी जानकारी थी, और डिसीजंस इसके बड़े कामयाब होते थे। ये देखिए इसका किंगडम, ये फ्रांस है उस समय का फ्रांस, इसने देखिए जो एरिया जीत लिया। और इसी में मैं आपको दिखा दूं, ये जो छोटा सा आइलैंड है ना यहाँ पे, ये है एल्बे, यहाँ पे इसको अरेस्ट करके बंद कर दिया गया था। ये एल्बे है, दिख रहा है आपको छोटा सा लाल, यहाँ पे इसको अरेस्ट करके बंद कर दिया था पहली बार। तो फ्रांस के बहुत नजदीक था, तो यहाँ से ये भाग गया। और ये देखिए लगभग इसने पूरा जर्मनी, ये पूरा जर्मनी है, चेकोस्लोवाकिया, इटली, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ये सारे देश, पोलैंड, सबको इसने जीत लिया। यहाँ तक कि पोर्चुगल, स्पेन, ये पोर्चुगल रह गया था, स्पेन इसने जीत लिया था, स्पेन को भी इसने अपने कब्जे में ले लिया था। तो इतना बड़ा जनरल था, इसने यूरोप को हिला के रख दिया था। 2012 तक का इसका एम्पायर इतना बड़ा था, है? फिर इसको अरेस्ट, ये रशिया में जब गया लड़ने के लिए, तो यहाँ इसने ठंड की वजह से, जैसे रशिया वर्ल्ड वॉर में जर्मनी का हाल हुआ, वही हाल फ्रांस का हुआ था वर्ल्ड, ये जब नेपोलियन रशिया में गया लड़ने के लिए, तो वहां इतनी बर्फ पड़ी, इल प्रिपेयर्ड थे, पूरा सामान नहीं था, और रशियंस ने इनको डिले करते रहे, तो सर्दी आ गई और उसमें ये इसकी सेना जो थी बहुत मर गई, बहुत लोग, और फिर ये हार गया वाटरलू की लड़ाई में। और इसको यहाँ पे, ये एल्बे मैंने आपको दिखाई दिया, ये है एल्बे, ये इटली है पूरा, और यहाँ, और ये जो ये वाला हिस्सा, ये फ्रांस है जो ब्राउन दिख रहा है। तो बहुत नजदीक था, तो ये यहां से भाग निकला। तो इन्होंने क्या किया, इसको अब सेंट हेलिना यहां है, देखिए यहां से, यहां पे था ये, यहां से इसको फ्रांस, ये है फ्रांस से इसको पकड़ के ला के यहां सेंट हेलिना में डाला। और आपको पता है ये सेंट हेलिना किसके अंडर है, ये असेंशन, सेंट हेलिना आइलैंड्स किस देश के अंडर है, देखिए लगता तो है कि यहाँ का कोई देश होगा जो इसका मालिक होगा, पर इसका मालिक इंग्लैंड है। देखिए इंग्लैंड यहाँ पे ऊपर है, यहाँ फ्रांस से इधर अगर हम इंग्लिश चैनल पार करेंगे तो इंग्लैंड लेफ्ट साइड में है,
वहां का देश यहाँ का मालिक है, सेंट हेलिना उनके अंडर है। और तो और छोड़ो, ये फॉकलैंड आइलैंड्स जो अर्जेंटीना के बिल्कुल यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, ये भी इंग्लैंड का है। और तो और छोड़िए, देखिए पोर्चुगल के नीचे यहाँ पे एक छोटा सा एक ये है जगह, है ना, इसको बोला जाता है रॉक ऑफ जिब्राल्टर, जिब्राल्टर की चट्टान माना गया था ना, बोलते हैं भाई रॉक ऑफ जिब्राल्टर की तरह खड़ा है। ये जगह भी जो है इंग्लैंड की है, देखिए कहाँ पे है, पर इंग्लैंड ने इसको ले रखा है, इंग्लैंड इसका मालिक है। तो जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन है, तो ये सेंट हेलिना में लाके इसको कैद किया गया था और यहाँ पे ये मरा, तो इसकी कबर यहाँ पे गाड़ा गया इसको। पर जब जब फ्रांस ने बाद में जब ये सब चीज शांत हो गई, तो उसको उसकी दोबारा उसकी अवशेषों को इसमें से निकाल के और यहाँ फ्रांस में पेरिस में उसको यहाँ पे दफनाया गया। अभी अगर आप उसकी अवशेष जो है यहाँ पेरिस में है, नहीं तो उसकी पहली जो कबर है यहाँ है, लोग बहुत सारे अभी भी यहाँ जाते हैं उसको देखने के लिए। तो ये मैंने आपको नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में बताया, और ये देखिए उसका पेड़ और ये उसके फूल हैं। तो बड़ा जबरदस्त इस आइलैंड की हिस्ट्री है और जबरदस्त इसका फूल और पेड़ के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। इस पेड़ के बारे में जितना भी जानने की कोशिश करता हूँ, मुझे और मजेदार इन्फॉर्मेशन मिलती है। इसको मेडागास्कर में ये मिलता है मेन, देखिए छह इसकी 9 प्रजातियां हैं, नौ तरीके के हैं ये। इसको बहुत नामों से पुकारा जाता है, कोई कहता है बॉटल ट्री, कोई कहता है मंकी ट्री क्योंकि भाई उल्टा हुआ हुआ है, कोई कहता है अपसाइड डाउन ट्री, जड़ ऊपर है पेड़ नीचे है, है ना, ऐसा लगता है जैसे जड़े ऊपर आ गई हैं इस पेड़ की। तो इसकी खासियत क्या है कि ये एक तो ये 9 तरीके के होते हैं, है? जिसमें से 6 जो है सिर्फ मेडागास्कर में ही मिलता है। अब मेडागास्कर कहाँ है मैं आपको इसमें ही दिखाने की कोशिश करता हूं। देखिए ये मेडागास्कर है, है ना, इस आइलैंड पे, ये भी एक आइलैंड है और इसमें बहुत सारे इंडियंस भी हैं, है ना, बहुत सारे इंडियंस हैं यहाँ पे, बिहारी बहुत ज्यादा है। तो क्योंकि अंग्रेज लोग यहाँ पे गन्ने की खेती के लिए और चाय की खेती के लिए इनको यहाँ से पकड़ के लेके गए थे हिंदुस्तान से लोगों को यहाँ पे काम कराने के लिए, तो ये वहीं के रह गए। तो यहाँ पे 6 मिलते हैं, 2 मिलते हैं अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में और सिर्फ 1 प्रजाति मिलती है आपको ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया में भी मिलती है एक, सिर्फ 1 प्रजाति। तो ये जो अभी हम देख रहे हैं जिसको, ये है गार्डनर ग्रैंडाइडर बाओबाब ट्री, ये बाओबाब ट्री इसका नाम है, बाओबाब ट्री, ठीक है, बाओबाब ट्री है। इसके 9 प्रजातियां हैं, उसमें से हम जो देख रहे हैं ये इस फ्रेंच आदमी के नाम पे है जिसने इसको देखा था सबसे पहली बार, फ्रेंच बॉटनिस्ट के नाम पे इसको रखा गया। और ये देखिए इसके पीछे बड़ी कहानियां हैं कि इसको कैसा, इसका नाम क्या है। तो बोला गया भैया एक बार भगवान ने स्वर्ग में पेड़ लगा रहा था, उसने देखा ये पेड़ ना मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा, अच्छा नहीं लगता, उसने इसको उठा के उखाड़ा और पीछे जमीन में फेंक दिया, पृथ्वी पे आके लगा तो सर पेड़ जो था ना वो जमीन में घुस गया, अब जड़े ऊपर रह गई, तब से ये पेड़ ऐसा ही है। एक कहानी ये है। दूसरी कहानी ये है कि भैया एक बार ये जो था ना पेड़ जब उसने लगाया तो ये रुकता ही नहीं था, ये चलता रहता था इधर से उधर इधर से, तो भगवान को बड़ा गुस्सा आया, उसने क्या किया इसको उखाड़ा और उल्टा कर दिया, बोला अब चल के दिखाता, तो ये तब से बिचार को उल्टा टंगा हुआ है। तीसरी कहानी एक और है, वो ये बोलते हैं भगवान ने जब पेड़ लगाने शुरू किए तो उसने कहा कि भाई मैं अकेला कहां तक पेड़ लगाऊंगा, मैं कुछ पशुओं की हेल्प लेता हूं। तो उसने जानवरों को बुलाया, भाई इधर आओ तुम भी मेरे साथ हेल्प करो पेड़ लगाने में। तो उसने सब जानवरों को, किसी को कुछ दिया, किसी को कुछ दिया। तो ये जो पेड़ था बाओबाब ट्री, ये उसने हायना को दे दिया, जिसे लक्कड़ बग्गा हम बोलते हैं, हायना को दे दिया। तो हायना जो था उसको बड़ा गुस्सा आया, उसको ये पेड़ अच्छा भी नहीं लगा, उसने क्या किया इस पेड़ को उल्टा लगा दिया, तो तब से बेचारा ऐसा है। और अरब कंट्रीज में भी एक कहानी है, वो कहते हैं कि शैतान जो था ना डेवल ने इसको उखाड़ा और उल्टा लगाया हुआ, इसलिए पेड़ ऐसा है। खैर ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं जो इस पेड़ के साथ जुड़ी हुई हैं। अब इस पेड़ के ऊपर हम आते हैं, तो इसका जो फल है ये तकरीबन 1 फुट का होता है, दिखने में छोटा दिख रहा है आपको, 1 फुट का पेड़ होता, फल होता है ये, इतना बड़ा फल होता है। और उसके अंदर ऐसे बीज होते हैं, बहुत ही काम का पेड़ है, इसे ट्री ऑफ लाइफ भी कहा जाता है। जैसे हमारे यहाँ सहजन का पेड़ होता है उसको हम, या नीम का पेड़ है, हम बड़ा कीमती मानते हैं, बड़ा दवाई से हर चीज कामयाब है, उसी तरह से ये बाओबाब ट्री बहुत ही काम का है। इसके ये फल जो है बहुत खाने के हैं, इसके बीज से आप पीस के बड़ा अच्छा एक न्यूट्रिशियस, और इसमें विटामिन सी बहुत ज्यादा है, कैल्शियम बहुत ज्यादा है इसके अंदर, और इसको आप पिएंगे तो आपको बहुत न्यूट्रिशन मिलेगा और रिफ्रेशिंग है। इसका फूल भी देखिए कितना खूबसूरत है, और ये रात को खुलता है, रात को खुलता है ये फूल इसका, वाइट कलर का। और इसका जो
ये है, देखिए लिखा भी इस पर हाई इन विटामिन सी। विटामिन सी इतनी ज्यादा है कि नींबू संतरे सबसे ज्यादा विटामिन सी है इसके अंदर। और ये इसके बीज को पीस के आप कॉफी की तरह इसका कॉफी भी बना सकते हैं, इससे बहुत ही हेल्प करता है ये है। तो ये इस बाओबाब ट्री की खासियत है। दूसरा, इसके जो रेशे हैं ये भी काम आते हैं। देखिए इसके रेशे इस पेड़ के अंदर, अगर आप इसका पेड़ जो है, इसका तना जो है ना, उसकी छाल बहुत मोटी है, बहुत मोटी छाल है, क्योंकि अपने अंदर पानी भर लेता है। और जब गर्मियों का मौसम आता है, जब पानी नहीं होता, तो ये उसी पानी से अपने आप को सर्वाइव करता है। तो जब ये पेड़ सूखता है या इसके इसकी जो रेशे हैं बहुत मजबूत हैं, ये माना गया है कि इसके रेशे जो हैं स्टील के रेशे से भी मजबूत हैं। यानी एक धागा स्टील का ले लें और एक धागा इसका ले लें तो ये मजबूत है, ये माना गया है। और ये बहुत सारी इसके कपड़े बनते हैं, टोपियां बनाते हैं, फिशिंग के लिए भी इसको यूज किया जाता है, शिकार के चीजें बनती हैं, और बहुत सारे इलाजों में भी इसका काम आता है। जैसे कि किसी की किडनी फेलियर है, किसी को ब्लैडर की प्रॉब्लम है, किसी को एस्थमा है, किसी को कीड़े ने काट लिया, और ऐसी बहुत सारी करीब 300 इलाज इस चीज से होते हैं, इस पेड़ से होते हैं। तो ये वास्तव में ट्री ऑफ लाइफ है, क्योंकि बहुत ही जीवनदायक चीज है। और यहाँ पे जो लिम्पोपो, देखो आपको एक जगह बहुत बता रहा हूं मजेदार, में आपने कई बार सुना भी होगा लिम्पोपो। पिछली बार मैंने आपको दिखाया था एक देश लेसोथो, जो कि देश के अंदर देश है ना, याद रखना इसको, लेसोथो। फिर से रिवाइज कर रहा हूं मैं, क्योंकि कुछ लोग नए जुड़े हैं। अगर आपसे पूछा जाए देश के अंदर देश, तो एक लेसोथो है, दूसरा हमारा वेटिकन सिटी है, तो ये सब देश है, है? तो ये लिम्पोपो साउथ अफ्रीका का सबसे नॉर्थ ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट है, सबसे ऊपर वाला ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट है, जिम्बाब्वे और बोत्सवाना के यहाँ पे। तो ये यहाँ के लोग मानते हैं कि अगर किसी बच्चे को, लड़का हुआ है खासकर, उसको अगर आप गले से नीचे, पूरा नहीं भिगोना, उसको गले से नीचे उसको पानी में, इसके पानी में भिगो देंगे तो बहुत मजबूत होगा। वो ये भी मानते हैं कि ज्यादा देर घुमा डुबा दिया ना पानी में, तो फिर वो बहुत मोटा हो जाएगा, ज्यादा मोटा हो जाएगा, लाला की तरह हो जाएगा। तो उसको ज्यादा देर भी पानी में नहीं डालना है। तो और कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि बात सही है, क्योंकि इसके पानी के अंदर इसके जो रस है उसके अंदर बहुत विटामिन्स और मिनरल्स हैं, तो हो सकता है इसकी शरीर पे कुछ फर्क पड़ता हो। मतलब कोई ऐसी, मैं इसके बारे में कुछ कह नहीं सकता, पर ऐसा माना जाता है वहां पे लिम्पोपो के लोग अपने बच्चों को इसके पानी में डुबाते हैं। और ये बड़े अफ्रीका के जो जानवर हैं, जब पानी नहीं होता तब इसकी छाल दांत से उखाड़ उखाड़ के, ये हाथी और दूसरे जानवर जो है इसको छील छील के इसको खाते हैं। बहुत मजबूत पेड़ है, मरता नहीं है, अगर आप इसको आग भी लगा देंगे तो भी नहीं मरेगा, इसकी खाल पूरी उतार दो फिर भी जीवित हो जाएगा, ये फिर से जिंदा हो जाता है ना, कितना मजबूत पेड़ है। पर हम लोगों ने इसको भी नहीं बख्शा, अगर आपको आगे दिखाऊंगा मैं, ये अभी खतरे में क्यों है, क्योंकि आप कहेंगे तो मरता नहीं, इतना मजबूत पेड़ है, तो इसको ऐसी क्या बात है कि जलने से भी नहीं मरता, इसकी खाल पूरी उतार दो फिर भी नहीं मरता, तो एक ऐसे कैसे मरता जा रहा है। देखिए और इसके बारे में देखें, ये ही है वाला जो मैं पेड़ दिखा रहा हूं, जिसके हम बात कर रहे हैं, जो मॉरिशस में होता है, मेडागास्कर में होता है। इसको बोला गया है एवेन्यू ऑफ बाओबाब्स, यानी बाओबाब की गली, बाओबाब वाला पेड़ का रोड है। यहाँ पे बहुत टूरिस्ट आते हैं फोटो लेने के लिए, बहुत ज्यादा लोग आते हैं यहाँ पे टूरिस्ट, और ये बड़ी फेमस जगह है, बहुत मजबूत और बड़े बड़े पेड़ हैं। अब इसको ट्री ऑफ लाइफ मैंने बताया, आपको बता ही दिया था, इसके अंदर बहुत, ये अपने अंदर लाखों, कई जगह तो लिखा है कि 1,00,000 लीटर से भी ज्यादा पानी अपने अंदर स्टोर कर लेता है ना, अपनी खाल में भी भर लेता है, और उससे ज्यादा इसके अंदर बहुत सारे प्राणी अपना घर बनाते हैं, और इसके बीज और फल से तो मैंने आपको बता ही दिया बहुत काम आता है। इसके पेड़ों के अंदर लोगों ने जेल खाने बनाए हैं, बरियल साइट बनाई है, स्टेबल बनाया, अस्तबल बनाया, जानवरों को रखने के लिए जगह बनाई है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं एक बार बनाया हुआ है किसी ने, साउथ अफ्रीका में एक बार है जो इस पेड़ के अंदर है। सोच लीजिए कितनी जगह है इस पेड़ के अंदर, ये अंदर से खोखला है, बाहर ही बाहर है, अंदर से खोखला है और उसके अंदर ये बार बनाया है। ये देखिए एक पोस्ट ऑफिस है इस पेड़ के अंदर, इस पेड़ कितना चौड़ा पेड़ है कि इसके अंदर पोस्ट ऑफिस है। अब ये देखिए, ये मैंने आपको बताया कि अपने अंदर पानी इकट्ठा कर लेता है, वो तो कर लेता है पर उस पानी को आप पी नहीं सकते। तो लोगों ने क्या किया है, वहां पे प्लास्टिक के टैंक तो होते नहीं, ना सीमेंट के, कंक्रीट के बड़े बड़े होते हैं, कि पानी कहां से रख लें, गर्मी के मौसम में पानी कहां से पिएंगे।
तो वहां के लोगों ने, खासकर ये जो मेडागास्कर के ये जो लोग हैं, इसका एक महाफले प्लेटू रीजन है, वहां के लोग क्या करते हैं, वहां पे उन्होंने क्या किया, देखो यहाँ पे एक छेद कर दिया पेड़ के अंदर, और इसके अंदर जब बरसात होती है तो पानी बाल्टियों से भर भर के इसके अंदर डाल देते हैं, पानी भर लेते हैं इसके अंदर, और इसमें इतनी जगह होती है, ये बताया गया कि आज तक कभी भर नहीं पाया इसको पूरा है। और उन्होंने बड़े तरीके से इसको किया हुआ है, वहां पे 300 पेड़ हैं बाओबाब के, है ना, और हर 475 लोगों के लिए उन्होंने एक पेड़ लगाया है, एक परिवार को दे दिया कि भाई तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस पेड़ की, इसका पानी तुम संभालना, ये पेड़ तुम्हारा है, तुम्हारी जिम्मेदारी। तो उसको बड़े प्यार से रखते हैं, संभालते हैं, और ये हजारों सालों से इसका यूज कर रहे हैं। ये देखिए, ये भी एक कमाल की बात है कि पानी के, पेड़ के अंदर पानी स्टोर करना, और इसको बाद में बंद कर देते हैं, और ये देखिए बाल्टी भर भर के अभी डाल रहे हैं या निकाल रहे हैं, मैं नहीं कह सकता, पर इसमें डालते हैं तभी निकाल भी रहे हैं, है ना। और ये देखिए क्या दिख रहा है आपको, कितना बढ़िया टॉयलेट भी बनाया हुआ है, फर्स्ट क्लास, है ना, फ्लश व्लश सब कुछ है इसके अंदर, टूरिस्ट आते हैं, टॉयलेट बना दिया इसका। ये है जेल खाना, जो ऑस्ट्रेलिया में प्रजाति मिलती है, यहां पे इसके अंदर जेल था, ये जेल की तरह प्रयोग किया जाता था, क्योंकि आदिवासी लोग जो वहां के अबॉर्जिनीज थे, जो वहां के आदिवासी लोग थे, आदिवासी कैसे होते थे, मैं आपको फोटो दिखा देता हूं, देखिए ये बड़े अफसोस की बात है, बहुत दुख होता है इस फोटो को देख के, ये वहां के ओरिजिनल लोग हैं, मूल निवासी हैं ऑस्ट्रेलिया के। अगर हम ऑस्ट्रेलिया में आज देखते हैं सब गोरे गोरे लोग दिखते हैं, पर ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी ये हैं, जब अंग्रेज लोग वहां गए उससे पहले ये लोग वहां रहते थे, और इन्होंने, इनको, इन बिचारों के पास कुछ नहीं था, हथियार भी नहीं थे, इनको जो बगावत करते थे आजादी के लिए करते थे, तो उनको ऐसे बांध करके इस ले जाया जाता था। तो जब ले जाते थे तो यात्रा लंबी होती थी शहर तक पहुंचने के लिए, तो बीच में कहां रुकेंगे, इस पेड़ के अंदर इनको बंद कर दिया जाता था रात भर के लिए, फिर सुबह इसको लेके आगे जाना। तो ये एक जेल खाने की तरह भी प्रयोग किया गया है ना, और ये ऑस्ट्रेलिया में है, और इसको लोग देखने जाते हैं आज भी, ये ऑबॉर्जिनीज लोग, मैंने आपको दिखा दिए। और ये देखिए एक बड़े दुख की बात अब सामने आती है कि ये पेड़ जो है 2500 साल से भी पुराना हो सकता है। एक पेड़ मैं आपको दिखाऊंगा जो 3000 साल पुराना है, ये बाओबाब पेड़। ये बाओबाब पेड़ जो पिछले 12 साल में जितने बड़े बड़े और पुराने पेड़ थे उसमें से ज्यादातर पेड़ मर चुके हैं या मरने जा रहे हैं, मरने वाले हैं। कितने दुख की बात है कि जो 3000 साल से पेड़ नहीं मरा वो पिछले 12 साल के अंदर मर रहे हैं। उसका कारण क्या है, क्लाइमेट चेंज है, हमारा प्रदूषण है, हमने इस पेड़ की जो उसके नेचुरल जो चीजें हैं उसको हमने बर्बाद कर दिया है। और जबकि ये माना जाता था ये पेड़ कभी मर नहीं सकता, इसको काट दो, इसको छील दो, इसको जला दो, ये मरेगा नहीं, पर ये बेचारा अब मर रहा है, है? हमने इसको, इसके साथ इतना बुरा हमने किया। देखिए इसको कितना चौड़ा पेड़ है ये देखिए। और ये जो पेड़ है ये 3000 साल पुराना पेड़ है, 3000 साल यार लगा लीजिए, अभी 2000 चल रहा है, इससे 2000 साल पहले और लगा लीजिए, यानी जब हमारे देश में चंद्रगुप्त मौर्य आया था, वो अलेक्जेंडर आया था 325-26 बीसी में, उससे पहले का ये पेड़ है। इसने कितना कुछ देखा, यूनानियों की सभ्यता को देखा, अब ये पेड़ खतरे में है। इतना बड़ा पेड़ है कि इसके अंदर 40 लोग इसके अंदर बैठ सकते हैं, इतना बड़ा पेड़ है ये। और ये जब मरता है तो ये देखिए कैसे मरता है, इसका कुछ भी नहीं बचता है, इसलिए इसको मैजिक ट्री भी बोलते हैं, क्योंकि जब मरता है, जैसे अभी कोई पेड़ हमारे यहां मरेगा तो उसकी लकड़ियां दिखेंगी, बहुत दिनों तक लकड़ी जंगल में पड़ी रहेगी जब तक लोग उसको हटाएंगे नहीं, पर ये पेड़ ऐसा है कि बिल्कुल गायब सा हो जाता है, क्योंकि ये पूरा ज्यादातर इसके अंदर पानी है, रेशे और पानी, तो रेशे रेशे रह जाते हैं, पानी सब अंदर से गलना शुरू होता है और ये अंदर ही अंदर गिर जाता है, वहीं बैठ जाता है, और सारा आप देख रहे हैं, आप इसके कुछ टहनियां दिख रही हैं, बाकी पूरा पेड़ कहां गया पता ही नहीं, क्योंकि पानी था वो उड़ गया, अब सिर्फ रेशे रेशे रह गए, इसलिए इसको मैजिक ट्री भी बोलते हैं। अब हम अगले पेड़ पे चलते हैं, इसको बोलते हैं, ये एलरिस ट्री है, ये साइप्रस पेड़ है, साइप्रस जाति का पेड़ है, जो कि चिली में और अर्जेंटीना में ही मिलता है, दुनिया में कहीं नहीं मिलता,
किसी जमाने में ये बहुत होते थे, उसी देशों में बहुत ज्यादा होते थे, बिल्कुल सीधा उगता है, बहुत ही कीमती लकड़ी है, बहुत अच्छी खुशबू आती है इसके अंदर से, जो इसका जो केमिकल इसका जो उससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। एक पेड़ तो इतना पुराना, 3622 साल पुराना है, लगा लीजिए कितना साल पुराना पेड़ हुआ, 3622 साल, फिर भी ये सबसे पुराना पेड़ नहीं है। मैं आपको सबसे पुराना पेड़ भी दिखाऊंगा बाद में। और इसके इसकी उम्र कैसे पता लगाई साइंटिस्टों ने, आपने पता ही है, वो रिंग्स काउंट करते हैं और वो भी पता लगा लेते हैं कि इस समय में कैसा कैसा हुआ था। और इसको इलीगल फेलिंग, सबसे ज्यादा नुकसान इसको जब स्पेनिश लोग यहाँ गए साउथ अमेरिका में, जब स्पेनिश लोग पहुंचे तो उन्होंने बड़े बड़े जंगलों को काटना शुरू किया, आग लगा दी जंगलों में। और इसकी लकड़ी इतनी अच्छी थी, इतनी काम की थी, जहाज बनाने के बहुत काम आती थी। अब क्योंकि उस समय सारा ट्रांसपोर्ट जहाजों से ही होता था तो इसकी लकड़ी का बड़ा प्रयोग किया गया। इतनी लकड़ी है इस एक पेड़ के अंदर, 5 फुट बाय 5 फुट चौड़े 5 फुट लंबे 5 फुट चौड़े 600 प्लैंक्स एक ही पेड़ से निकल जाएंगे, इतनी लकड़ी है इसके अंदर। बहुत ही मजबूत और बहुत ही कीमती लकड़ी, बिल्कुल चिकना पेड़ है, सीधा सीधा उगता है। ये देखिए इसका नाम जो है ना, इसको एलरिस फर्थजोया कहा गया, क्योंकि जो एक बीगल नाम का एक कैप्टन था, एक जहाज का, जहाज का नाम है बीगल, उसका जो कैप्टन था उसका नाम था रॉबर्ट फिट्ज़रॉय। उस फिट्ज़रॉय जिन्हें इसके नाम पे, चार्ल्स डार्विन ने इस पेड़ का नाम उस कैप्टन के नाम पे रखा गया। अब प्रॉब्लम क्या है कि इस पेड़ को और कहीं आप नहीं लगा सकते, ये सिर्फ चिली और अर्जेंटीना में। देखिए ये चिली है, ये बिल्कुल यहाँ पे, ये ऊपर भी नहीं मिलेगा आपको, सिर्फ यहाँ नीचे और यहाँ इसी एरिया में, सिर्फ इतने से एरिया में, जिसे पैटागोनिया भी बोलते हैं, इस एरिया में सिर्फ मिलेगा ये आपको। तो ये इसलिए बहुत एंडेंजर्ड है, बहुत खतरे में है। और इसके फूल देखिए, बीज ऐसे होते हैं, जितने भी साइप्रस पेड़ है उनके पत्ते आपको ऐसे मिलेंगे है? अब ये जो पेड़ आपको दिखा रहा हूं, ये 2600 साल पुराना पेड़ है। इसका जो ऊंचाई है 57 मीटर, यानी एक मंजिल जो है हमारी, ये करीब, देखिए मैं आपको यहां दिखाता हूं, ये पेड़ जो है तकरीबन 187 यानी 18-19 मंजिल की अगर हम बिल्डिंग मान लेना कोई, इतना ऊंचा पेड़ है ये। और इसको भी एंडेंजर्ड है वहां पे, इसको टूरिस्ट स्पॉट बना दिया गया है, यहाँ पे लिखा हुआ है, लोग आते हैं फोटो खींचते हैं। आप कम से कम इस पेड़ को कोई काट नहीं रहा, बड़ी किस्मत की बात है, अच्छी बात है हमारे लिए कि इस पेड़ को कोई काट नहीं रहा। पर ये बहुत 2600 साल पुराना पेड़ है, टॉलेस्ट पेड़ है वहां का अर्जेंटीना में। और जो ओल्डेस्ट है, ये सबसे पुराना वाला एलरिस ट्री है, ये 3622 साल पुराना है। कितना पुराना पुराना पेड़ है ये है? जिस तरह से रेडवुड इक्वेटर के नॉर्थ में, इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा के उत्तर की तरफ अगर हम जाएंगे तो हमें रेडवुड के फॉरेस्ट मिलते हैं उत्तरी अमेरिका में, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा इसके बाद। अगर हम दक्षिण में जाते हैं तो वहां पे ये एलरिस ट्री मिलते हैं। ये दोनों पेड़ गजब के पेड़ है और ये 200 फीट तक तकरीबन पहुंच जाता है, 200 फीट यानी 10 फीट की एक मंजिल होती है हमारे यहाँ। अगर हम अपने एक नॉर्मल घर को देखें गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से, तो 10 फीट की छत होनी चाहिए, जमीन से छत जो है घर में रहने के लिए 10 फीट का होना चाहिए। तो अगर आप इसको ये मानेंगे तो ये 20 मंजिल ऊंची बिल्डिंग लगा लीजिए आप, कितना ऊंचा पेड़ है ये। और 16 मीटर इसका डायमीटर है, डायमीटर मतलब अगर हम इसको ऐसा गोला ले लें और सीधी रस्सी बीचों बीच ऐसे देखें तो इसका 16 फीट, इतना चौड़ा मोटा पेड़ है ये। और ये जो पेड़ है, ये 2600 साल पुराना वाला, इसका जो डायमीटर है, यहां से अगर इसके बीचों बीच रस्सी डालेंगे तो 2.2 मीटर इसकी विड्थ है, यानी एक डबल बेड से भी चौड़ा पेड़ है ये, बहुत ऊंचा है। तो ये एक आपको दिखाने के लिए मैं दिखा रहा हूं, ये दुनिया का एक बहुत कीमती खजाना हमारे देश का, दुनिया का है। इसको एलरिस ट्री बोलते हैं, फिर से मैं दोहरा रहा हूं, एलरिस ट्री है, 2600 साल पुराना ये वाला पेड़ है। इस लकड़ी की खासियत पता है क्या है? देखिए एक खासियत और भी है कि इसकी जो, इसको बोला जाता है शिलिंग्स बोला जाता है, ऐसे पटरे, जैसे हमारे घर में खपरेल लगाई जाती थी ना पहले, कुछ जगहों पे शिलिंग्स लगाई जाती थी लकड़ी की। ये इतनी मजबूत लकड़ी है कि एक घर में, घर की जब खोली गई, 130 साल पुरानी शिलिंग्स जब खोली गई, सोच लीजिए 130 साल के बाद उसको जब खोला गया तो बिल्कुल ठीक ठाक मिली, यानी इतनी गर्मी बारिश सब कुछ सहने के बाद भी
इसकी शीलिंग से कोई फर्क नहीं पड़ा, इसका मतलब ये बहुत मजबूत और अच्छी लकड़ी है, है? और यही इसके लिए बिचारी का नुकसान है। अब हम आते हैं अपने आज के आखिरी पेड़ को हम देखेंगे, बहुत ही गजब का पेड़ है, दुनिया का सबसे भारी पेड़ इसको माना गया है, जायंट सिक्वा ट्री। ये अमेरिका में मिलता है, उत्तरी अमेरिका में मिलता है, जैसे दक्षिण अमेरिका में अमेरिका मैंने आपको दिखा है एलरिस ट्री मिलता है, उसी तरह से उत्तरी अमेरिका में जायंट सिक्वा ट्री मिलता है। अगर आपसे दुनिया में पूछा जाए कि सबसे भारी पेड़ कौन सा है वॉल्यूम के हिसाब से, सबसे बड़ा पेड़ वॉल्यूम के हिसाब से यानी उसके वजन के हिसाब से, तो ये भाई साहब है हमारे सामने जायंट सिक्वा ट्री। इस पेड़ की खासियत क्या है कि ये जो है ना, ये जो पेड़ आप देख रहे हैं ये 130 फीट तक तो इसके अंदर कुछ होता ही नहीं, सीधा ऊपर जाता है और उसके बाद जाके इसकी ब्रांचेस निकलना शुरू होती है। इसको रेडवुड भी कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा, रेडवुड भी कहते हैं इसको और इसको जायंट सिक्वा भी बोलते हैं। और ये इसकी खासियत क्या है, जब सूखा पड़ता है ना तो ये क्या करता है, अपनी मोटी मोटी टहनियों को ऊपर से गेर देता है, अपने आप तोड़ के फेंक देता है ताकि पानी बचा रहे। जैसे अभी कैलिफोर्निया में होता है, वहां पे होता है, कैलिफोर्निया में पिछले साल बड़ा अकाल पड़ रहा था, बड़ा सूखा पड़ रहा था, जैसे 2006 में भी एक बार हुआ, 2006 में पानी बिल्कुल बारिश नहीं हुई, बर्फ नहीं पड़ी, यहाँ पे बर्फ बहुत पड़ती है, जैसे आप यहाँ फोटो में देख रहे हैं बर्फ पड़ी हुई है इसके ऊपर, टहने यहाँ देख रहे हैं आप बर्फ है, तो ये ठंडे इलाके में होता है, तो वहां पे जब बर्फ नहीं पड़ी तो पानी की कमी हो गई, इसने अपना एक बहुत सारी टहनियों को ऊपर से गिराना शुरू कर दिया। एक टहनी 6 फीट की डायमीटर की थी, यानी उसका जो मैं 6 फीट का हूं ना, कोई आदमी 6 फुट का खड़ा हो, इतनी चौड़ी इतनी मोटी टहनी ऊपर से इसने गिरा दी ताकि पानी बचा सके। ये इसका सेल्फ डिफेंस, लोग सोचने लगे क्या हो गया, बीमार हो गया पेड़, क्या करने लगा कि ये इतना, बड़ी चिंता होने लगी लोगों को, तो पता लगा कि ये इसका सेल्फ डिफेंस स्ट्रेटेजी है, ये जब पानी कम होता है तो ये ऐसा करने लगता है, तो इसमें इसको नुकसान नहीं है। और ये है सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा जायंट सिक्वा, इसको नाम रखा गया है जनरल शेयरमैन ट्री, जर्मन जनरल शेयरमैन, एक जनरल था जब अमेरिका में आपस में लड़ाई हो रही थी, नॉर्थ उत्तरी अमेरिका के लोग और मतलब यूएसए के ही दो हिस्से हो गए थे, है ना, ऊपर का और साउदर्नर्स और नॉर्दर्नर्स, सिर्फ किस लिए, एक मुख्य कारण था गुलामी के लिए, नॉर्दर्नर्स कह रहे थे कि भैया गुलामी हटनी चाहिए, साउदर्नर्स कह रहे थे नहीं गुलाम हमें चाहिए, हमें तो खेती करनी है, ये तो इस वजह से, उसमें और भी कुछ कारण थे, उसका सबसे बड़ा कारण पर गुलामी था, उस वजह से उनमें लड़ाई हुआ, है ना, सिविल वॉर कहा जाता है। तो सिविल वॉर जब हुआ तो उसमें एक जनरल था, उसका नाम था शेयरमैन, तो उसी के नाम पे इस पेड़ का नाम रखा गया शेयरमैन। ये दुनिया का सबसे भारी पेड़ है बाय वॉल्यूम, वजन के हिसाब से सबसे भारी पेड़ है, और इसका जो इसकी हाइट जो है 275 फीट, फिर वही कर लीजिए आप, ये तकरीबन 27 मंजिल ऊंचा है, 27 मंजिल ऊंचा घर लगा लीजिए आप, कितना ऊंचा होगा, कैसे देखना पड़ेगा उस पेड़ को, 27 मंजिल ऊंचा ये पेड़ है, और इसकी उम्र 2700 साल है, 2700 साल पुराना ये पेड़ है। इसको अभी, इसको आप टूरिस्ट लोग जाते हैं देखने के लिए, पर इसको कोई हाथ नहीं लगा सकता, इसके चारों तरफ पहाड़। अब यही जो रेडवुड है, यही है ना, ये जो सिक्वा पेड़ है, जायंट सिक्वा, उसी का ये भी वही पेड़ है, और ये दुनिया का सबसे ऊंचे पेड़ों में पेड़ है, दुनिया का सबसे ऊंचा पेड़। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई सबसे ऊंचा पेड़ कौन सा है, तो ये हाइपेरियन है, ये भी रेडवुड है, ये भी जायंट सिक्वा है, पर इस पेड़ का नाम रख दिया गया है हाइपेरियन, और ये और ऊंचा जा सकता था, पर एक कठफोड़वे ने जो इसकी ऊपर वाली ब्रांच थी ना, उसको खराब कर दिया, चोंच मार के खराब कर दिया, वो तोड़ दी, तो ये अब ऊपर को नहीं बढ़ रहा, अभी यहां रुक गया है। अब देखिए जो नीचे जो पेड़ है, लग रहा है कि छोटे पेड़ है, जबकि वो भी बहुत बड़े बड़े पेड़ है, पर ये उनके सामने ये जायंट की तरह खड़ा हुआ है। इसका नाम याद रख लीजिए, हाइपेरियन, रेडवुड हाइपेरियन है ये जायंट सिक्वा का। इसकी हाइट का तुलना आप लगा लग सकते हैं, देखिए जो एफिल, ये जो टावर ऑफ लिबर्टी है, लिबर्टी की स्टैच्यू है, वो 305 फीट, 305.6 यानी 93 मीटर ऊंची है। इसमें अगर आप देखेंगे तो ये जो आदमी खड़े हुए दिख रहे हैं आपको, देखिए कितने छोटे छोटे हैं, इतने छोटे छोटे आदमी हैं, उसी से लगा लीजिए कितनी ऊंची हो गई।
इससे ऊंची ये बिग बैन की घड़ी है जो लंदन में है, है? ये देखिए 316 फीट ऊंची है। और ये हमारा जो ये हाइपेरियन है, ये तो भाई बिल्कुल 380 से भी ऊपर जा रहा है, है? बहुत ऊंचा पेड़ है। इसका एक वीडियो मैं आपको दिखाता हूं, देखने लायक इसके पेड़ की हाइट है, देखिए। The tallest tree in the world is Hyperion, a coast redwood, Sequoia sempervirens, Hyperion found in the Redwood National Park, California. Hyperion stands 115.54 meters, 379.1 feet, above the ground and is estimated to be between 700 and 800 years old. The exact location of Hyperion is not accessible to the public because of the fear that tourists might disrupt the ecosystem of the tree. Michael Taylor and Chris Atkins discovered the redwood on August 25, 2006. The initial height of the tree was marked as 378.1 feet, but it was measured again by researchers who obtained the height of 379.1 feet, which became the official height recognized by the Guinness World Record. तो आप देख रहे हैं कि Guinness World Record में इसका नाम है सबसे ऊंचा पेड़। आपसे अगर आप पूछें तो आपकी जनरल नॉलेज के लिए है, ये Hyperion tree है जो redwood tree है, दुनिया का सबसे ऊंचा पेड़ है redwood। उसमें इस पेड़ का नाम Hyperion रखा गया है। और इस पेड़ की बदकिस्मती यह है कि ये 1800 से इसकी कटाई शुरू हो गई, इस जंगल की। जब से अंग्रेज लोग आए तब से इसकी कटाई शुरू कर दी, क्योंकि इसकी लकड़ी इतना बड़ा, इतनी सारी लकड़ी एक साथ मिल जाती थी। पर 1950 में इसको रोक लगा दी गई, उसके बाद से इन पेड़ों को काटना बंद कर दिया गया। अब इसको नेशनल ट्रेजर माना जाता है। आप देखिए लोग यहाँ पे देखने आ रहे हैं, लोग इसके सामने क्या बच्चे की तरह, छोटे से चींटी की तरह दिखाई दे रहे हैं, इतना ऊंचा ये पेड़ है। और किसी जमाने में देखिए इतने बड़े बड़े पेड़ होते थे कि यहाँ पे लिखा है 39 लोग इस पे डांस कर रहे हैं, इतना चौड़ा ये इसका वो है, पेड़ काटा है जो किसी जमाने में इतने बड़े बड़े होते थे। और इसकी एक बात है, एक ये इतना चौड़ा है, देखिए अगर इस पे 6 फुट के 6 आदमी एक लाइन में लेट जाए ना, तब जाके इसके तने को पूरा कवर करेंगे, इतना चौड़ा पेड़ है। आप लगा लीजिए 6 फुट के 6 आदमी एक लाइन में लेटा दीजिए, इतना चौड़ा इसका बेस है इस पेड़ का, इतना गजब का पेड़ है, है? और ये देखिए ये रास्ते में आया तो इसको काटा नहीं इन्होंने, रास्ता बना दिया। ये भी एक कमाल की चीज है, ये देखिए यहाँ पे कैसे इसको रास्ता बनाया गया है। और अब इसको एक बहुत आपको एक खासियत की बात बता रहा हूं कि ये जो है इसको अपने जीवन काल में, ये पेड़ को अपने जीवन काल में अपनी प्रजाति को बचाने के लिए अपने जीवन काल में सिर्फ एक अपने जैसा पौधा बनाना है, और वो भी मुश्किल हो जाता है इसको। इसकी एक बहुत खासियत है, खासियत क्या है कि इसको बीज को फूटने के लिए, बीज को उगने के लिए आग की जरूरत है, यानी ये आग में से गुजर के उगता है। कैसे उगता है मैं आपको दिखाता हूं कि जब तक आग नहीं लगेगी, इसको आग नहीं मिलेगी, इसका बीज नहीं फूटेगा, इसका बीज कामयाब नहीं होगा। देखिए, Giant sequoias are the largest trees on earth. They can grow for more than 3,000 years. But without fire, they cannot reproduce. The giant sequoias really are born of fire. Fire gives them three things they need for regeneration. The first one is it punches a hole in the forest. That allows there to be more light and more water for the sequoia seedlings. The second thing it does is it heats the cones up in the mature sequoia trees without harming the trees. And those cones open up. And there's a rain of seeds on the ground. जब तक आग नहीं लगेगी इस पौधे के नीचे, गर्मी नहीं होगी, इसका बीज जो वो है वो फूटेगा नहीं, और ये बीज जब तक मैच्योर होके नीचे नहीं आएंगे अगर इसको गर्मी नहीं मिली, तो इसके लिए आग बहुत जरूरी है। अब देखिए उसके बाद क्या होता है। And the final thing it's done is it cleared away all the leaves that have built up, because sequoia seeds
need to hit bare mineral soil before they can germinate and survive well. Then the winter storms come in and bury them in a blanket of snow. And then when the spring comes, they have the ideal conditions. It's warmer, it's really wet, and those seeds will take off and become seedlings. From their birth among the ashes, these seedlings have become the groves we see today. With trees nearly 300 feet tall. Over 3,000 years, think of what a giant sequoia has seen. You know, how many times did Native Americans sit at the base, have lunch, look up, and marvel at the crown of the sequoia? And now we're doing it again today. It's humans just living their lives under these trees for millennia. आपको दिखाया मैंने कि कैसे इस पेड़ को उगने के लिए आग की जरूरत है, है? आग से ऊपर की जगह भी खाली जाती है, नीचे घास खाली जाती है, और फिर ये बीज जमीन में जर्मिनेट हो जाता है। और कितनी इतिहास देखा इस पेड़ ने, है? कितने लोगों को, इस 3,000 साल पुराना पेड़ है, क्या क्या नहीं देखा होगा इस पेड़ ने, क्या क्या दुनिया को देखा है इसने, है? और अब हमारे सामने ये पेड़ है। तो ये आज हमने यहाँ तक देखा, आज हम यहीं तक रखेंगे। चलिए ठीक है, फिर सबको बाय बाय, अगली बार मिलेंगे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।